Hey guys, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनकम, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ मिस्टर राज, आप सभी का अपना भाई, और साथ में आज पहचान में नहीं आ रहा है कौन है। पहचान में नहीं आ रहा है, सीधी जी नहीं खड़ी हो रही है जी। आदमी सब कोई भूल सकता है लेकिन आप लोग नहीं भूल सकते। अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको अच्छी लग रही है। हाँ, ये किट्टो किट्टो के ये मनीषा को लग रहा है कि अच्छी नहीं लग रही। आप इनका लुक बताइए पहले। मुझे अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? तो आप इनका लुक जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा है। खैर, जो भी गाइस, आप लोगों को पिछले ब्लॉग सामने दिखाई थी अजमेरा फैशन में, तो हम आज इस ब्लॉग में भी अजमेरा फैशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज अजमेरा की फैक्ट्री में जाएंगे और फैक्ट्री में जाकर के कुछ सरप्राइज आपको दिखाने वाले हैं। हाँ, आप लोग देख करके खुश हो जाएंगे और अमित किट्टो भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो खैर, ये अपना सरप्राइज अपने ब्लॉग में दिखाएंगे, हम अपना सरप्राइज दिखा देते हैं आपको। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग के एंड तक, ब्लॉग काफी धमाकेदार होगा, है ना इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अजमेरा की फैक्ट्री पे, है ना जी? जी बिल्कुल। आपने बहुत सारा कलेक्शन देख लिया, साड़ियों का, कुर्तियों का, ड्रेस मटेरियल का, लेकिन आज ना थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। और वो ऐसा है कि आप ये कपड़ा बंदा कैसा है, ये साड़ी जो पहनते हैं बिल्कुल, वो आपको फैक्ट्री में सारी चीजें बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू। इसीलिए ये बोल रही थी कि आप लोग को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि आप लोग बोलोगे बिल्कुल। आज आपको एक्चुअली में सूरत में कपड़ा कैसा बनता है, साड़ी कैसी बनती है, वो देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत ऐसा, मतलब अब तो बोल रही हूँ, मन खराब भी चले जाए देखने के लिए। चलिए जल्दी से चलते और शुरू करते हैं फैक्ट्री कैसे होने वाली है। तो दोस्तों, हवाओं का रुख बहुत तेज है और तेज हवाओं के बीच हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी पार्किंग में, और यहाँ से हम लोग फिर जाएंगे फैक्ट्री की तरफ। तो ये तीन महारानी मतलब लोगों के साथ ही बने रही आप लोग ब्लॉक के एंड तक। अमित भाई भी हैं इधर। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अजमेरा फैशन के जो डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट है वो, और इस बिल्डिंग में यहाँ पर काम चल रहा है प्रिंटिंग का। तो अंदर लेके चलते हैं फैक्ट्री में आपको, और बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अजमेरा फैशन में। तो आज का वीडियो, जैसे कि पहले ही बताया था, थोड़ा सा अलग होने वाला है, खास होने वाला है। लास्ट टाइम जब आए थे आपको हमने प्रोडक्ट दिखाए थे, मतलब हमारे पास जो चीज़ें मिलती हैं, साड़ीज, कुर्तीज, ड्रेस मटेरियल्स और बहुत सारी उसकी चीज़ें दिखाई थी। लेकिन आज हम थोड़ा और आगे देखने वाले हैं। अभी ये चीज़ें, जैसे कि एग्जाम्पल साड़ी, अब साड़ी जो आप मार्केट से खरीदते हैं लेकिन वो बनती कैसी है एक्चुअली मशीन में, उसकी प्रोसेस आज हम जानने वाले हैं। मतलब ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, टेक्निकल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ कंटिन्यू, काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा है। तो अभी चलते हैं हम और देखते हैं टेक्निकल चीज़ शुरू होने से पहले उसकी जो डिज़ाइन होती है, प्रिंट होती है, वो रेडी कैसे होती है। सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पर होती है, वो है यहाँ पर डिज़ाइन बनाई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप दो तीन सैंपल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग सैंपल दिख रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग फ्लावर हैं, वो कलर चार्ट यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। इसके बाजू में आप जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक कलर चार्ट रेडी किया जा रहा है। मतलब पहले इसको सिस्टम में हम लोग डिज़ाइन रेडी करते हैं, हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं इसकी डिज़ाइंस बनाते हैं, और इसके बाद वाली प्रोसेस जो है ना, चलिए देखते हैं। वो यहाँ पर बहुत यहाँ पर हमारी साड़ी भी जैसे डिजाइन हो रही है। ओके, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी साड़ी यहाँ पर रेडी हो रही है, फोटो प्रिंट वाली। उसके ऊपर कुछ जो अल्फाबेटिकल प्रिंटिंग है वो भी शायद यहाँ पर रेडी की गई है। देखते हैं ये साड़ी एग्जैक्टली कैसे बनने वाली है। चलिए, तो हम अभी हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं उन्होंने तो पहले डिजाइन रेडी कर दिया। अब उसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉक्सेस पड़े हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये रोल, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रोल यहाँ पर पड़े हैं ना, ये एक्चुअली पेपर है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कागज़ आपको मिल रहा है। इसके ऊपर क्या होगा, पहले तो ये कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इसकी जो प्रिंट है ना, जो आपने अभी देखी, वो प्रिंट इसके ऊपर छपेगी। चलिए दिखाती हूँ आपको इसका लाइव, जी हाँ, लाइव फुटेज दिखाती हूँ कैसे यहाँ पर बन रहा है। ये हम आ चुके हैं हमारे जो फैक्ट्री है इनसाइड। आज पर्टिकुलर हम देख रहे हैं जो डिजिटल साड़ी होती है वो कैसे बनती है। ये देखिए, यहाँ हमारी बहुत ही बेस्ट ब्यूटीफुल सी साड़ी बन रही है। हमारी फोटो, जी बिल्कुल, ये हमारी फोटो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अलग अलग कलर्स लगाए जाते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस यहाँ पर होती है, और लीक देखिए एक एक करके साड़ी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर देखिए रोलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो इनसाइड रोलर जो है कलर प्रिंट करते हैं।
तो आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि ऐसे साड़ी भी बनता है। आप देखेंगे ना, ये एक्चुअली कागज है जो मैंने आपको अभी कागज दिखाया ना, वो कागज आपको मिल रहा है और ये कलर इसके ऊपर छोड़ रहा है। ये देखिए मेरे मुझे पे इसका कलर आ चुका है, कागज जी हाँ, ये कागज के ऊपर इसकी प्रिंट छप रही है। और एट द मोमेंट यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर एक टाइम पे 5 साड़ियाँ बन सकती है ये डिजिटल की। और पूरे दिन ये जो मशीन है चालू ही रहती है। यहाँ पर भी कुछ अलग प्रिंटिंग आपको नजर आ रही है। ये सबसे पहले पेपर पे ही बन रहा है। जी हाँ, ये पेपर के ऊपर इसकी जो डिजाइन है वो छपाई जा रही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत हमारी फोटोज भी प्रिंट हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि मनीषा की साड़ी पे अब मेरा फोटो भी रहेगा। तो हमने देखा 5 साड़ियाँ बन सकती है। देखिए हर एक मशीन में डिजाइन हमने अलग प्रिंट्स बनाई है, मतलब एक दिन में आप देख सकते हैं 500 से ज्यादा साड़ियाँ यहाँ पर बन जाती है। ये जो है पेपर के ऊपर जो प्रिंट है 500 से ऊपर सिर्फ डिजिटल प्रिंट की। जी ओनली डिजिटल प्रिंट की। वैसे हमारी अलग अलग साड़ियों का, जैसे सिंथेटिक साड़ी है, सिल्क साड़ी है, उसकी फैक्ट्रीज अलग अलग है। चलिए बढ़ते हैं। इसका मशीन भी हम लोग नहीं देखे थे वाकई में, आज बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे। आज सबके लिए फायदेमंद वाली वीडियो है कि भाई मशीन से ऐसे एक्चुअली प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग होती कैसे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक्चुअली मैम कलर है, यही कलर साड़ी के ऊपर छपेगा। सेम कागज अब इसके बाद कैसे प्रिंट होगा? चलिए इसके बाद कागज के ऊपर साड़ी। जी हाँ, मैं दिखाऊंगी कागज से साड़ी पर इस चीज को कैसे शिफ्ट किया जाता है। आज देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए ये कलर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जो कलर की साड़ी बनने वाली होती है ना, वो जो कलर से यहाँ पर पहले लगाए जाते हैं केमिकल। हाँ वहीं से कलर प्रिंटर है। कैसे कैसे तार रखे हुए हैं, बिल्कुल फ्यूजन होता है इन कलर्स का अंदर। चलिए बढ़ते हैं अब वहाँ देखने, जहाँ इस पेपर से कैसे प्रिंट हो रहा है, पेपर से कपड़ों पे कैसे हो रहा है। जी वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिलता है। आज हम लोग ये पहली बार देखेंगे। डिजिटल हाँ, अब यहाँ पे आवाज थोड़ी आएगी और सारे ये कपड़ा लगा देंगे। यहाँ पे कपड़ा लगा के पेपर भी लगा देंगे ना। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा वहाँ। और देखिए ये पूरी साड़ियों का जत्था यहाँ रखा हुआ है। अब जो पेपर हमने देखा था ना, जो रोल, ये वो रोल है, इसके अंदर वो रोल डाला गया है, वो रोल और ये साड़ी, ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा दोनों एक साथ यहाँ से अंदर जा रहा है। देखिए ये कपड़ा, लेकिन ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है। हाँ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको नजर आएगा, एक साथ में ये अलाइन हो रहा है, मतलब देखिए जॉइन हो रहा है। और वहाँ मशीन है, वो मशीन के अंदर ऊपर ये कपड़ा और नीचे इसका ऊपर कपड़ा है और नीचे पेपर है, और ये दोनों साथ में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर मर्ज करके इनसाइड दिस मशीन डाला जा रहा है। और फाइनल आउटकम आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, ये देखिए नीचे से अगर आप इसको देखेंगे, वहाँ से ये नीचे आ रही है, देखिए आपको नजर आ रहा है, ये मतलब गया प्लेन वाइट फैब्रिक, देखिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसे अलग अलग ये तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही प्रिंट होता है। तो गाइस सिंपल यहाँ ये फैब्रिक गया उस पेपर के साथ और नीचे से ये कलर ये कलर पेपर देखे जा रहा है, कलर पेपर, और ये डिज़ाइन साड़ी पे प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी डिजिटल प्रिंटिंग होती है। ये डिजिटल, और ये सर ओनली एक डिज़ाइन है, जैसे कि मैं आपने देखा वहाँ पर आपकी साड़ी रेडी हो रही थी, वैसे ही साड़ीज हैं, हर तरह की डिज़ाइन, हर तरह की प्रिंटिंग यहाँ पर रेडी होती है। अभी इस वाली साड़ी के फिनिश होते ही आपको अभी जो मैम और सर की जो साड़ी थी ना, जो प्रिंटिंग वाली साड़ी होने वाली है, वो आपको अभी देखने को मिलेगी। तो वो कितनी खूबसूरत होने वाली है, जो कागज के ऊपर बन रहा है जी, और वो एक्चुअली में अब साड़ी बनने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू देखिए। छपी है पेपर के ऊपर से ये वाइट कलर का जो है ना, इस ये और दोनों को साथ में मर्ज करके इनसाइड मशीन यहाँ पर डाला जा रहा है। और आप देख रहे हैं वहाँ पर इसको हीट मिलती है और उन दोनों का जो फ्यूजन वहाँ पर रेडी होता है, और फाइनल आउटकम जो है हमें कुछ इस तरह का।
साड़ी तो मैम आपने देख ली आपकी साड़ी कैसी थी। अब जो फाइनल आउटकम होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, मतलब जो प्रिंट्स हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ ये साड़ी देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। प्रिंटिंग आप इसके ऊपर देखिए, एकदम मल्टी कलर का काम है आपको इसके ऊपर मिल रहा है। और ये फैब्रिक आपको डिफरेंट मिल रहा है, अगर आपको थोड़ा सिल्किश लुक चाहिए, सिल्क फैब्रिक के ऊपर चाहिए, तो उसके ऊपर भी डिजिटल प्रिंट जो है की जा सकती है। ये देखिए पूरा जरी लुक आपको इसमें मिल रहा है, और इसकी आप फ्लावर प्रिंटिंग देखिए, एकदम 3D लुक आपको इसके अंदर मिल रहा है। उसी तरह से अगर आपको गोल्ड जरी के अंदर कुछ लुक चाहिए तो वो भी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों इनका पूरा सेट होता है, मतलब सेट अलग अलग कैटलॉग के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 6 पीसेस का होता है, कोई 8 पीसेस का होता है। और जैसे ये साड़ी है, अगर आपको पर्टिकुलर ऐसी साड़ीज बनवानी है तो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं। अब ये पीस आप देखिए, एकदम हैवी क्वालिटी का आपको मिल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतरीन है। अब साड़ीज तो बहुत हो गई, लेकिन अगर आपको जो शर्ट्स होते हैं डिजिटल आजकल बहुत चल रहे हैं, तो उसकी अगर आपको प्रिंट्स करवानी है तो ये देखिए शर्ट के ऊपर की जो प्रिंटिंग होती है ना वो भी अलग अलग मिल जाती है। ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, मतलब जैसी भी प्रिंटिंग चाहिए वो मिल जाती है। उसके बाद आते हैं कुर्ती के ऊपर, मैम अब जेंट्स के बाद आता है कुर्ती की वैरायटी। ये देखिए कपड़ा अलग अलग कपड़ा हो सकता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रिंट हो सकती है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, एक से बढ़कर एक बेहतरीन आपको मिल जाते हैं। ये देखिए है ना एकदम बेहतरीन सा कलेक्शन। तो बिल्कुल अगर आप ऐसी ही चीज़ें अपने बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप कर सकते हैं। अब कुर्ती के बाद आता है आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो है डिजिटल लहंगा। तो ये वेराइटी आपको मिल रही है डिजिटल लहंगा की, है ना एकदम बेहतरीन सा ये लहंगा आपको। अब इसकी बात करें तो ये देखिए कैनवास है, इनसाइड कैनकेन लगाया गया है, फिर एक और लेयर आपको कैनवास का दिया गया है। क्वालिटी तो आपको अजमेरा फैशन में बेस्ट ही मिलेगी, रेंज कोई भी हो एक चीज़ की आपको यहाँ से गारंटी मिलती है वो है क्वालिटी। अब देख लेते हैं लहंगा में कुछ एक आपको वैरायटी कैसे दी जाती है। ये अलग प्रिंटिंग आपको मिल रही है, कपड़ा मैम इसका देखिए आप, कपड़ा भी इसका अलग रखा गया है। और ये भी लहंगा मिल रहा है, ये भी एकदम डिफरेंट एकदम आई कैचिंग चीज़ है। उसी तरह से साड़ियों में अगर मैं बात करूँ तो आप इस साइड ये देख रहे हैं मैम के बैक साइड में, एक से बढ़कर एक अलग अलग फैब्रिक के ऊपर अलग अलग प्रिंट आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ऐसा ही कलेक्शन अगर आप अपने बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं, डिजिटल प्रिंट का हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो, अगर आप सीधा एक मैन्युफैक्चर के साथ जुड़कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन आपके लिए बेस्ट प्लेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर मैसेज करें। नमस्ते। सो दोस्तों ये था सफ़र आज हमारा अजमेरा फैशन के डिजिटल प्रिंट यूनिट का, जिसमें हमने भी अपने लिए साड़ी डिजिटल प्रिंट करवाई और इनफैक्ट हमें वो गिफ्ट मिला अजमेरा फैशन की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा था। आप लोग भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अजमेरा फैशन को कनेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, गुड बाय बाय।